हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज की इस वीडियो में हम फोर टक्स ब्लाउज की पेपर कटिंग देखने वाले हैं, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। फोर टक्स ब्लाउज की पेपर कटिंग करने के लिए सबसे पहले हमें एक न्यूज़पेपर लेना है इस तरीके से, और उसे हम अच्छे से मोड़ लेंगे। तो ये पेपर कटिंग हम ब्लाउज के नाप से कर रहे हैं। तो देखिए, हमें नाप के ब्लाउज को इस तरीके से रख लेना है और पीछे की साइड से हमें लंबाई का नाप लेना है। तो देखिए फ्रेंड्स, लंबाई का नाप लेने के लिए हमें टेप को देखिए शोल्डर पर रखना है इस तरीके से, और थोड़ा सा ब्लाउज को खींच कर नापना है। तो देखिए ये कहाँ पर आ रहा है, 12.5 इंच। तो ब्लाउज की लंबाई जो है 12.5 इंच है, और इसमें हम 1 इंच ऐड कर देंगे, तो ये कितना हो जाएगा, 13.5 इंच। यानी कि हमें ब्लाउज की लंबाई बैक साइड की 13.5 इंच रखनी है। सबसे पहले हम बैक साइड की पेपर कटिंग कर रहे हैं, तो नाप के हिसाब से हमें यहाँ पर 13.5 इंच लंबाई रखनी है ब्लाउज की। इसी तरह से दूसरी साइड भी 13.5 इंच पर निशान लगा लेंगे, ये देखिए इस तरह से। तो ये हो गया हमारे ब्लाउज की लंबाई का निशान। अब इन निशानों को स्केल की सहायता से सीधा कर लेंगे, ये देखिए इस तरह से। अब एक्स्ट्रा पेपर को काट कर हम अलग कर लेते हैं। अब देखिए, हमें सबसे पहले ब्लाउज के गले की चौड़ाई और कंधे का नाप रखना है। तो मैं यहाँ पर ब्लाउज का कंधा ले रही हूँ 5 इंच। तो ये देखिए इस तरीके से 5 इंच पर निशान लगा लेंगे। आप चाहे तो 5.25 या 5.5 इंच पर भी रख सकते हैं। गले की चौड़ाई मैं यहाँ पर 2.5 इंच ले रही हूँ, ठीक है। और देखिए नीचे से भी हमें 5 इंच पर कंधे का निशान इस तरीके से लगा लेना है, और इस निशान को स्केल से हम सीधा कर लेंगे। अब आर्म होल की लंबाई हमें कितनी रखनी है, तो इसके लिए देखिए हमें नाप का ब्लाउज लेना है और उसे नाप करके देख लेंगे हम। तो ये देखिए टेप को हमें शोल्डर पर रखना है और इस तरीके से देख लेंगे, ये देखिए सीधा इस तरीके से देख लेंगे ये कितने इंच पर आ रहा है, 5.5 इंच पर, ठीक है। तो यहाँ पर हमें आर्म होल की लंबाई 6 इंच रखनी पड़ेगी, क्योंकि 0.5 इंच ऊपर की साइड से हमारा शोल्डर में दब जाता है। तो 6 इंच हमें आर्म होल की लंबाई लेनी है। अब देखिए गले का भी, तो गला हमारा आ रहा है 5 इंच पर, हमें 5.5 इंच रखनी पड़ेगी। और इसका चेस्ट भी नाप लेते हैं। तो ये देखिए काज पट्टी की तरफ से हमें नापना है, तो टेप को इस तरीके से रख के हल्के से ब्लाउज को खींच कर नापना है। ये आ रहा है 8.5 इंच पर, यानी कि 34 चेस्ट का ब्लाउज है ये। कमर का भी नाप चेक कर लेते हैं, ये देखिए जी आ रहा है 7 और 2 सूत पर, यानी कि 29 इंच का कमर है इसका। तो नाप के हिसाब से हम आर्म होल की लंबाई रख लेते हैं। तो आर्म होल की लंबाई हमारे ब्लाउज पे 5.5 इंच की थी, तो यहाँ पर 0.5 इंच ऐड कर देंगे, यानी कि 6 इंच पर हम यहाँ पर आर्म होल की लंबाई ले लेंगे। अब चेस्ट का नाप ले लेते हैं, ये देखिए चेस्ट हमारा था 8.5 इंच, ठीक है। तो यानी कि 34 का चेस्ट था, तो इसका 1/4 होगा 8.5, और यहाँ पर 1.5 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन ले लेते हैं, जो कि हमारा सिलाई मार्जिन है। अब इन निशानों को स्केल की सहायता से सीधा कर लेते हैं और एक बॉक्स बना लेते हैं, ये इस तरह से। अब कमर के लिए निशान लगा लेते हैं। तो कमर कितनी थी हमारी, 29 इंच की, तो इसका 1/4 होगा 7 और 2 सूत। इस तरीके से निशान लगाने के बाद देखिए यहाँ से हमें 2.25 इंच पर लेना है, क्योंकि यहाँ पर बैक साइड का टक्स डलता है इसके। अब इस निशान को स्केल की सहायता से इस तरह से मिला लेंगे। अब यहाँ से आर्म होल का शेप देने के लिए 1 इंच या 1.5 इंच इस तरीके से नहीं लेना है, फ्री हैंड शेप देंगे हम, क्योंकि 1 इंच 1.5 इंच इस तरीके से शेप लेने से यहाँ पर झोल आ जाता है आर्म होल में, ये देखिए इस तरीके से गोलाई में शेप दे देना है। अब देखिए यहाँ पर हमें गले की साइड से 0.5 इंच का डाउन देना है। इस तरीके से 0.5 इंच का डाउन देने से शोल्डर गिरने की समस्या ख़त्म हो जाती है या ना के बराबर हो जाती है। तो देखिए इस तरीके से स्केल को रखकर हमें तिरछा मिला लेना है। गले की लंबाई का निशान लगाएंगे अब हम। तो गला हमारा कितना था, 5 इंच, ठीक है। तो यहाँ पर हमें 5.5 इंच लेना है, क्योंकि 0.5 इंच जो है हमारा सिलाई मार्जिन में चला जाता है ऊपर से। तो यहाँ पर गले की लंबाई जो है हम 5.5 इंच पर रखेंगे।
तो गला यहाँ पर हमें ऊपर से नहीं नापना है, ये देखिए जो तिरछा निशान है वहाँ से नापना है। तो यहाँ से हमें 5.5 इंच इसकी लंबाई रखनी होगी, क्योंकि ऊपर से नापेंगे तो गला हमारा छोटा हो जाएगा। इस तरीके से निशान लगाने के बाद नीचे से भी हम गले की चौड़ाई जो है वो 2.5 इंच पर रखेंगे, ये देखिए इस तरह से। अब इस निशान को स्केल की सहायता से सीधा कर लेते हैं, ये इस तरह से, और ऊपर से भी सीधा लाइन खींच लेंगे हम, ये इस तरह से लाइन खींचकर एक बॉक्स बना लेंगे और यहाँ पर गले का शेप दे देते हैं। ये हमारा पेपर कटिंग बैक साइड का है, लेकिन हम फ्रंट के गले का शेप दे रहे हैं, तो इसके बैक साइड के गले की कटिंग जो है वो हम बाद में करेंगे। अब ब्लाउज के टक्स के लिए निशान लगाएंगे हम, तो टक्स की लंबाई यहाँ पर 4 इंच पर रखेंगे और इसकी ऊंचाई भी हम, टक्स की ऊंचाई भी हम 4 इंच पर रखेंगे, ये इस तरह से। निशान लगाने के बाद स्केल से इस निशान को सीधा कर लेंगे और देखिए नीचे से हमें दोनों साइड से आधा आधा इंच रखना है, ये इस तरह से, और इन निशानों को इस तरीके से तिरछा दोनों साइड से मिला लेंगे। ये हो गया हमारे टक्स का निशान। अब इसकी हम कटिंग कर लेते हैं, ये देखिए अच्छे से रखने के बाद इसकी हम कटिंग कर लेंगे। तो साइड से काटेंगे पहले, उसके बाद आर्म होल साइड से काट लेंगे। उसके बाद यहाँ से तिरछा काट लेंगे और गले का शेप भी हम कटिंग कर लेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, ब्लाउज के बैक साइड की कटिंग कंप्लीट हो चुकी है। अब इसी से हम फ्रंट की भी कटिंग करेंगे। फ्रंट की कटिंग के लिए हम इसी का नाप रखेंगे। अब हम ब्लाउज के फ्रंट पार्ट की ड्राफ्टिंग करेंगे। तो बैक साइड के लिए हमने कितना इंच मार्जिन लिया था, 1 इंच का मार्जिन लिया था। ब्लाउज की लंबाई हमारे 12.5 इंच की थी, तो उसमें 1 इंच ऐड करके हमने 13.5 इंच की लंबाई रखी थी, लेकिन इसमें हमें 1.5 इंच ऐड करना है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए 1.5 इंच ऐड कर लेते हैं। तो 12.5 में 1.5 इंच ऐड करेंगे हम तो कितना हो जाएगा, ये 14 इंच का हो जाएगा। तो यहाँ पर फ्रंट पार्ट की टोटल लंबाई हो गई 14 इंच की, ये इस तरह से 14 इंच पर मार्क लगाने के बाद नीचे की साइड से बराबर से इसकी हम कटिंग कर लेंगे। तो नीचे से हमने पेपर को बराबर कर लिया है। अब देखिए फ्रंट पार्ट की ड्राफ्टिंग करने के लिए हमें बैक पार्ट का यूज़ करना है, तो बैक पार्ट के पेपर को इस तरीके से रख लेंगे। तो यहाँ पर रखने के बाद हमें जैसे का तैसा इसका निशान उठा लेना है। तो आर्म होल की साइड से पहले हम इस तरीके से निशान उठा लेंगे और उसके बाद हमें गले की साइड से इस तरीके से निशान लगा लेना है। ठीक है, ये हमारा फ्रंट का गला था। अब पेपर को हम हटा लेते हैं। ये बैक पार्ट के आर्म होल का शेप था, अब हमें फ्रंट का शेप देना है। तो इसके लिए देखिए 1/2 इंच अंदर से हमें शेप देना है इसका। तो इस तरीके से, ये इस तरीके से राउंड में शेप देना है हमें। ये निशान सीधा नहीं रहेगा, देखिए हल्के से राउंड में जाएगा अंदर की साइड से। देखिए यहाँ से हल्का राउंड शेप में लेना है अंदर की साइड से, ये ऐसे। तो ये कुछ इस तरीके से आएगा फ्रंट का हमारा आर्म होल का शेप। तो ये आर्म होल का शेप हो गया और ये हमारे गले का शेप हो गया। अब हमें इसके टक्स के लिए निशान लगाना है। तो देखिए ऊपर शोल्डर से हमें इस तरीके से नापना है। तो पहला टक्स हमारा 9 इंच पर रहेगा और यहाँ से हम पहले टक्स की लंबाई रखेंगे 3 इंच पर। तो 3 इंच पर मार्क लगाने के बाद देखिए स्केल से सीधा कर लेंगे, ये इस तरीके से। अब देखिए पहले टक्स पर टेप को इस तरह से तिरछा रखना है और 1.5 इंच पर निशान लगा लेंगे। और 1.5 इंच पर निशान लगाने के बाद सीधा लाइन खींच लेंगे और ये हमारा दूसरे टक्स का निशान हो गया। ठीक है, तीसरे टक्स के निशान के लिए देखिए नीचे से 2 इंच पर निशान लगा लेंगे और 2 इंच पर निशान लगाने के बाद देखिए दूसरे टक्स पर और 2 इंच पर हम टेप को इस तरह से तिरछा रख लेंगे और यहाँ से भी हम 1.5 इंच की दूरी पर थोड़ी तिरछी लाइन खींच लेंगे। तो ये हो गया हमारा तीसरा टक्स।
अब चौथे टक्स के लिए निशान लगाएंगे। तो देखिए पहले टक्स से हमें नापना है, ये भी 1.5 इंच पर रहेगा, ठीक है। चारों टक्स के बीच 1.5 इंच का गैपिंग रहेगा। देखिए चौथा टक्स का निशान हमें कहाँ से लगाना है, दूसरे टक्स पर स्केल को रख लेंगे और यहाँ से इस तरीके से तिरछा लाइन खींच लेंगे। तो ये हो गया हमारा चौथा टक्स। अब देखिए दूसरे टक्स पर नीचे की साइड हमें 1-1 इंच पर निशान लगाना है। आप चाहे तो 1.25 इंच पर भी रख सकते हैं, मैं यहाँ पर 1 इंच का निशान लगा रही हूँ। तो दोनों साइड से 1-1 इंच का निशान लेकर हमें तिरछा मिला देना है। यहाँ से देखिए अब चेस्ट हमारा था 8.5 इंच, ठीक है। तो यहाँ से 8.5 इंच पर और फ्रंट के लिए हम यहाँ पर 2 इंच रखेंगे सिलाई मार्जिन, ठीक है। बैक में हमने 1.5 इंच रखा था, इसमें 2 इंच रखेंगे। और नीचे की साइड भी ये 2 इंच रहेगा क्योंकि हमारा टक्स में यहाँ पर 2 इंच कपड़ा दब जाएगा। तो ये हमारे फ्रंट पार्ट की ड्राफ्टिंग कंप्लीट हो चुकी है, अब इसकी हम कटिंग कर लेंगे। अब गले की साइड से भी छाट लेंगे। तो ये हो गया हमारे फ्रंट पार्ट की कटिंग। अब देखिए बैक पार्ट का गला हमने नहीं काटा था, फ्रंट के हिसाब से काटा था। तो यहाँ पर बैक का हमारा गला है 9 इंच, तो यहाँ पर 0.5 इंच ऐड कर देंगे। तो 9.5 इंच पर निशान लगाने के बाद देखिए नीचे की साइड से भी हमें 2.5 इंच गले की चौड़ाई रखनी है और स्केल से इस निशान को सीधा कर लेंगे और यहाँ पर गले का फ्री हैंड शेप दे देंगे। गोल गला बनाना है हमें इसमें, ठीक है। अब इसके हम कटिंग कर लेते हैं। तो ये देखिए फ्रेंड्स बैक साइड के गले की कटिंग भी हो चुकी है। अब देखिए फ्रंट पार्ट के पेपर को देखिए बीच से हम अलग कर देते हैं। इस वीडियो में मैं आस्तीन की कटिंग नहीं बता रही हूँ क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा। अगर आपको आस्तीन की कटिंग देखनी है तो मैंने उसकी भी वीडियो अपलोड कर रखी है, आप मेरे चैनल पर जाकर देख सकते हैं। तो ये थी आज की हमारी वीडियो, आई होप आपको पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें।